बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शोहर पर औरत की ज़कात की अदायगी लाजिम है या नहीं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने एक खातून आई, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी और उसने सोने के भारी कंगन पहने हुए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस खातून से सवाल किया कि क्या तुम ये जो कंगन हैं इनकी ज़कात निकालती हो? तो उसने कहा नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने ये सोने के कंगन नहीं बल्कि तुमने ये पहने हुए हैं जहन्नुम की आग के कंगन। यानी एक तमसील बयान की कि इन कंगन को तुम ये ना समझो कि ये सोने के हैं बल्कि ये हकीकतन आग के कंगन हैं। जब उनकी ज़कात नहीं दे रही तो ये तुम्हारे लिए आग है। इसी तरह जनाब सईद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, मैंने अपने हाथ में चांदी की अंगूठियां पहनी हुई थी। हुज़ूर ने सवाल किया, आयशा ये क्या है? मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लिए सिंगार किया हुआ है, आपके लिए मैंने ये पहनी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अतुअद्दीना ज़कातहुन्ना, आयशा क्या तुम इनकी ज़कात निकालती हो? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कुलतु ला ओ माशा अल्लाह, फरमाती हैं कि मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने जो चाहा मैंने वो कह दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया काला हुआ हस्बुका मिनन्नार, तो आयशा तुझे जहन्नुम के लिए ये अंगूठियाँ ही काफ़ी हैं। यानी अगर तुम इनकी ज़कात नहीं दे रही तो तुम्हारे जहन्नुम में जाने के लिए यही अमल ही काफ़ी है। देखें कह किसको रहे हैं, सिद्दीकाए कायनात को, सईदा तजीबा ताहिरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो ख़ुद भी सिद्दीकाए कायनात हैं, जिनके वालिद भी सिद्दीक अकबर हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनको आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि आयशा तुम्हें जहन्नुम में ले जाने के लिए यही अंगूठियाँ काफ़ी हैं। तो इनसे उलमा ने मसाइल अखज़ किए और ये रिवायत जो है अबू दाऊद और अबू दाऊद शरीफ की है। उलमाए किराम ने इनसे मसाइल जो अखज़ किए उससे उसके नतीजे में ये बतलाया कि निसाब का जो भी मालिक है वो शोहर है या बीवी है, ज़कात वो अपनी देगा, ज़कात उसी के ज़िम्मे लाजिम होगी, किसी और के ज़िम्मे लाजिम नहीं होगी। बीवी ये नहीं कह सकती कि मेरी ज़कात शोहर के ज़िम्मे है, और शोहर ये नहीं कह सकता कि मैं चूँकि गरीब हूँ मेरे ऊपर ज़कात तो जैसे तैसे वाजिब हो गई, अब मेरी बीवी अमीर है वो निकालेगी। नहीं, बीवी के ज़िम्मे बीवी की अपनी ज़कात है, शोहर के ज़िम्मे शोहर की अपनी ज़कात है, ये दोनों एक दूसरे की ज़कात अदा करने के पाबंद नहीं हैं। रही बात यह कि अगर शोहर ज़कात नहीं देता बीवी की, तो अब ये बीवी के ही ज़िम्मे लाजिम है कि वो अपनी ज़कात दे, शोहर के ज़िम्मे तो लाजिम है ही नहीं थी। अगर वो नहीं देना चाह रहा तो ये बीवी खुद देगी, अगर नहीं देती तो फिर इसको चाहिए कि ये अपना जेवर ख़त्म कर दे, या जिस भी वजह से इसके ज़िम्मे ज़कात लाजिम हो रही है। अक्सर औरतों के सवाल आते हैं कि हमारे पास ज़कात की अदायगी के पैसे तो नहीं, हम कहाँ से दें? तो फिर एक सूरत तो ये है कि वही सोना उसका कुछ हिस्सा बेच कर आप ज़कात दें। दूसरी सूरत यह है कि आप वो सोना बेच दें, वो चांदी बेच दें, वो जो भी आपके पास चीज़ है जिसकी वजह से आप साहिब निसाब हुई हैं उसको आप बेच दें। चूंकि दुनिया में बगैर सोने के रहना जहन्नुम में इस सोने की वजह से रहने से बेहतर है, तो अगर दुनिया में आप बगैर सोने के रहेंगी कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे औरतें हैं जो बगैर जेवरात के रहते हैं, लेकिन यही सोना अगर आपके जहन्नुम में जाने का सबब बन गया तो फिर क्या होगा? तो अगर शोहर नहीं देता तो औरत खुद देगी, वो चाहे शोहर से लेकर दे। आप थोड़ी थोड़ी ज़कात, ज़कात होती कितनी है, कोई लाखों में तो नहीं होती, आपको जो खर्चे के पैसे मिलते हैं आप उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के जमा करते रहें ताकि ज़कात निकाल सकें, या आपके वालिद आपकी तरफ से निकाल सकते हैं, या आपके भाई आपकी तरफ से निकाल सकते हैं, आप किसी के ज़रिए से भी निकलवा सकती हैं ज़कात, कोई भी आपकी तरफ से अदा कर दें। और अगर शोहर अदा करता है तो फिर मैं शोहरों से भी कहूँगा कि वो थोड़ा सा एहसान जता कर बता कर के हम आपकी ज़कात निकाल रहे हैं, इस अंदाज से निकालें। इससे एक तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और दूसरा ये कि शोहर और बीवी का जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है इस्लाम में, जो ये रिश्ता है इसकी खूबसूरती यही है। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत सी ख़वातीन ये नारा लगाती हैं कि हम शोहर के काम क्यों करें, हम खाविन के लिए खाना गर्म क्यों करें। तो देखें शरीयत ने कितनी सहूलत रखी है कि शोहर आपकी तरफ से ज़कात निकाल रहा है, और खुशकिस्मत हैं वो ख़वातीन जिनकी शोहर खुद उनकी बीवियों को
और उनके कहे बगैर उनकी ज़कात अदा कर देते हैं वो खुश नसीब हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि अब अल्लाह ने तो लाजम नहीं की शोहर पर, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफ से ज़कात निकाल रहा है। वो चाहता है कि ना मैं जहन्नुम में जाऊँ और ना मेरी बीवी जहन्नुम में जाए। तो ये वो शोहर हजरात जो ये ज़कात निकालेंगे बीवी की तरफ से, तो वो थोड़ा सा उन्हें बताकर और एक अच्छे अंदाज में कि हम आपकी तरफ से आपकी ज़कात अदा कर रहे हैं ताकि हम आपको जहन्नुम से बचा सकें, तो इससे इंशाल्लाह आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात होता यह है कि जो शोहर ने सोना दिया है खातून को, बीवी को, वो सोने का मालिक बनाया जाता है आम तौर पर। जाहिर है कि जब उसकी शादी हुई, शोहर ने जो सोना दिया और ससुराल की तरफ से जो इस लड़की को सोना मिला है वो इसकी मिल्कियत होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि शोहर ने सिर्फ सोना पहनने के लिए दिया हो, मालिक शोहर ही हो। अगर तो पहली सूरत है कि बगैर कोई बात किए कि दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपने तोहफा दिया, इसकी मालिक बीवी है, तो बीवी के जिम्मे ज़कात होगी। लेकिन अगर शोहर ने वजाहत कर दी कि ये तुम इस्तेमाल कर लो, सोना मेरा ही है, तो मैं इसको बेच दूं या जब भी जरूरत पड़े मैं उठा लूं, तो सोना मेरा है, अगर उसने वजाहत कर दी है, तो अब बीवी के जिम्मे ज़कात लाजिम नहीं होगी, बल्कि अब शोहर के जिम्मे ही होगी। अगरचे इस्तेमाल बीवी कर रही है, लेकिन ज़कात ये शोहर ही देगा, चूंकि उसने खुद वजाहत कर दी कि सोना मेरा है, तुम इसको सिर्फ पहन सकती हो। तो ये दोनों सूरतें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सोना है वो किस एतबार का है, वो शोहर ने आपकी मिल्कियत दिया है या वैसे पहनने के लिए दिया है। मिल्कियत है तो फिर ये औरत ही इसकी ज़कात निकालेगी, और अगर सिर्फ पहनने के लिए दिया है तो फिर इसकी ये ज़कात जो है शोहर के जिम्मे होगी। शोहर के अगर इसके अलावा, यानी शोहर के पास भी सोने के अलावा कुछ और है, सोना तो चूंकि बीवी का हो गया, शोहर के पास अगर अपनी अलग से ज़कात बन रही है, वो साहिब निसाब है, तो वो अपनी अलग ज़कात अलग से निकालेगा, और बीवी के पास जो सोना है या जिस वजह से भी वो साहिब निसाब हुई, उसकी ज़कात बीवी के जिम्मे लाजिम होगी। और आखिरी बात ये कि ज़कात निकालने का आसान सा तरीका, मैं आपको सिर्फ एक सेकंड में आपको एक तरीका सिखा देता हूँ, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, और कोई इसमें बहुत ही आसान तरीका है। जितनी मालियत आपके पास है, मसलन 1,00,000 रुपए आपके पास हैं, आप 1,00,000 की ज़कात निकालना चाहते हैं, तो आप 1,00,000 को तकसीम कर दें 40 पर, जो जवाब आएगा वही आपकी ज़कात है। अगर 1,00,000 को आप तकसीम करते हैं 40 पर, तो 2,500 उसका जवाब आएगा, 2,500 उसका जवाब आएगा, यही आपकी ज़कात है। अगर 10,00,000 आपके पास हैं, तो 10,00,000 को आप तकसीम कर दें 40 पर, जब 10,00,000 को 40 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 25,000, यही आपकी ज़कात होगी। जज़ाकअल्लाह खैर।